हाँ, अब बात करते हैं अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड की। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपको मिल जाएगा फ्लाइट में, और अगर आपको इसको देख लेना चाहिए पहले आने के समय कि कैसे भरना है इसे, तो ज़रा मैं इसे दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं ये है आपका, सबसे पहले रहता है फैमिली नेम, तो फैमिली नेम में आपको भरना है जो भी आपका नाम है, फैमिली नेम, फैमिली नेम में आपका सरनेम आएगा, सॉरी। उसके बाद है सेकंड, फर्स्ट एंड मिडिल नेम, फर्स्ट एंड मिडिल नेम में आप आपका नाम भरिए, फिर डेट ऑफ बर्थ भरिए, उसके बाद आप कहाँ से हैं, नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन, उसके बाद फिर आप फ्लाइट नंबर जो भी आपको मिलेगा बोर्डिंग पास में उसको भरिए, उसके बाद अपना सिग्नेचर। ये होता है डिपार्चर कार्ड, जो कि आपको संभाल के रखना पड़ेगा। फिर जो अराइवल कार्ड है वो दूसरे तरीके से, तो अराइवल कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे फिर से आएगा फैमिली नेम, फैमिली नेम आपको अपना फैमिली नेम डालना है जो सरनेम है आपका, उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको फर्स्ट नेम, मतलब जो भी आपका नाम, मेरा नाम चला है तो मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम अगर आपका है तो मिडिल नेम आप डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर डालिए आप अपना, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मेरी 29/06/90 है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो लॉयर हूँ मैं। उसके बाद पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, हॉलीडे, उसके बाद जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं उसका एड्रेस, मैं रुक रहा हूँ पटाया में और बैंकॉक में, तो दो जगह का एड्रेस। उसके बाद फिर कितने दिन के लिए रुक रहे हैं आप, उसके बाद बस यही है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिए, वीज़ा नंबर डालिए, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो खाली अगर बोलूँ तो आपका खाली ऐसा रहेगा, ये खाली है, आप देख सकते हैं, तो ये बहुत इजी है, और इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको।